Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Another day, another vlog. I hope aap sab log theek thaak honge wherever you are in the world. So let's begin with today's vlog. मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स और जो मेरे आई ब्रशेज हैं उनको मैंने वॉश करना है अच्छी तरह, क्योंकि दे आर क्वाइट डर्टी बिकॉज ऑफ मेकअप. तो उनको काफ़ी देर हुई मैंने इनको वॉश नहीं किया, तो अब मैं उनका वॉश करूँगी और एंड आई विल शो यू. सो नाउ जो ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, एज यू कैन सी दे आर क्वाइट डर्टी. और जो ये वाले आई ब्रशेज हैं इनको मैं वॉश करूँगी एंड आई विल शो यू हाउ आई डू दैट. सो लेट्स बिगिन. सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर वो कैसे वॉश करती हूँ. आई विल शो यू वन एंड देन द रेस्ट आई विल डू ऑफ कैमरा. अच्छा, जो सबसे पहले जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है उसको मैं लूक वार्म या नीम गर्म पानी से मैं उसको गीला करूँगी अच्छी तरह. वंस आई हैव डन दैट, मैं इसके अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको मैं स्क्वीज आउट करूँगी. ये मैंने एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट कर दिया, बड़ा भी हो गया ब्यूटी ब्लेंडर. तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सोप लूँगी, बार सोप. उसको मैं और भी से पहले गीला करूँगी, इट्स ड्राई. फिर उसके बाद मैं जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है इसको मैं जो है सोप उसके ऊपर रब करूँगी सारे एरियाज आई गेस. And I am going to cover the whole beauty blender with soap. अच्छी तरह पूरे को सोप के साथ कवर करना है. And if you can see, hopefully, तो थोड़ा थोड़ा सा शायद I'm not sure if you'll be able to see, लेकिन थोड़ा सा मेकअप उतर भी रहा है सोप के ऊपर. Once you've done that, तो उसके बाद आपने इसको नीम गर्म पानी से धोना है. And then you will see के वो कलर्ड वाटर हो गया एंड दैट मीन्स के जो उसके अंदर मेकअप और ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर वो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता. इट विल टेक अबाउट 5-10 मिनट्स ईच ब्यूटी ब्लेंडर. इफ़ यू नीड टू आप उसको जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आप दोबारा उसके ऊपर मल सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी सही तरह से सारा मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं निकला. वैसे इट्स बेस्ट इफ़ यू डू इट ट्वाइस. हाँ, अगर आप ट्वाइस ब्यूटी ब्लेंडर उसको सोप से कवर कर लेंगे सो इट वुड बी बेस्ट. जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको आप सोप से जितनी दफ़ा आपको लगे कि अभी तक मेकअप नहीं उतरा तो आप उसको सोप से कवर कर सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को. फिर उसके बाद जब आपने उसको जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको जब वॉश कर लिया तो उसको आपने अच्छी तरह से स्क्वीज करना ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए ब्यूटी ब्लेंडर से. एंड अदर देन द फैक्ट कि जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो उसको उसी कलर का होना चाहिए जिस कलर का वो ओरिजिनली है. एंड दिस इज अ वे टू फाइंड आउट कि अगर जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर सही तरह से साफ है कि नहीं. अनदर वे इसके जब आप पानी के अंदर उसको दोबारा से रिंस करते हैं उसे सोप निकालने के लिए, तो अगर इफ़ द वाटर कम्स आउट क्लीन उसका मतलब है जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो साफ है. एंड इफ द जो वाटर है इफ इट कम्स आउट स्टिल कलर्ड एंड नॉट क्लीन, तो इसका मतलब है अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो अभी और साफ करने की ज़रूरत है. एंड देयर यू गो. अगर जो पानी अगर वो नीम गर्म से भी ज़्यादा गर्म है तो इट्स नॉट अ बिग डील, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं. ये देखें ये वाला कितना ब्राउन था, ये वो ब्राउन कंटूर की वजह से अब ये कितना अच्छा कलर का हो गया बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर. इसका मतलब है ये सही तरह से साफ हो चुका है. अच्छा, नाउ दैट आई हैव क्लीन्ड माय ब्यूटी ब्लेंडर्स जो मैं आपको एंड पर दिखाऊंगी, अब मैं अपने जो आई ब्रशेज हैं उनको मैं साफ़ करने लगी हूँ. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट मैं आपको ना एक अपना आई ब्रश मैं आपको साफ़ करते हुए दिखाती हूँ जिस तरह मैं साफ़ करती हूँ. एंड देन आई विल डू द रेस्ट ऑफ कैमरा. सबसे पहले इसको आई ब्रश है उसको नीम गर्म पानी से वॉश करना है.
नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने जो ये आपका आई ब्रश है उसको आपने जो बार सोप है उसके ऊपर आपने सोप लगाना है ब्रश के ऊपर, सर्कुलर मोशंस में करेंगे। तो फिर उसके ऊपर जो ब्रश के ऊपर जो प्रोडक्ट होगा वो सोप के ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, आई विल शो यू इस तरह। और ये ब्रश है उसके ऊपर सोप लगा हुआ है, तो इस तरह आपने जो सोप है उसके ऊपर आपने जो आई ब्रश है उसको आपने सर्कुलर मोशंस में सोप के ऊपर ऐसे फेरना है ताकि जो सोप है वो ब्रश के ऊपर लग जाए एंड जो ब्रश के ऊपर जो मेकअप प्रोडक्ट है वो सोप के ऊपर लग जाए। फिर उसके बाद आपने दोबारा नीम गर्म पानी के अंडर इसको रिंस करना है, अच्छी तरह थोड़ा सा रब भी करना है जो ब्रश वाला पार्ट है आई ब्रश का। फिर साथ साथ एज यू डू इट फिर आपने जो सोप है उसको भी साफ कर दिया जाएगा पानी से ताकि उसके ऊपर जो मेकअप है वो भी उतरता जाए। और अगर आप चाहें तो आई ब्रश है वो जो सोप है उसके ऊपर आपने एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप फेर सकते हैं, दो तीन दफ़ा फेर सकते हैं एटलीस्ट, जब तक आपको लगे कि जो आई ब्रश है उसके ऊपर से सारा मेकअप उतर गया तब तक आपने ये जो मोशंस हैं और जो ये प्रोसेस है इसको रिपीट करना है। और ये हो गया साफ, नाइस एंड क्लीन। आई ब्रश के ब्रश वाले पार्ट को जो है पूरा सोप से कवर करना है। सो गाइस ये देखें मेरे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं एंड जो मेरे जो आई ब्रशेज हैं वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब मैं इनको एक जगह पर रख दूंगी एंड आई विल लेट देम ड्राई कम्प्लीटली, वरना अगर गीले रहेंगे और अगर मैं इनको किसी जगह पर रख दूंगी लाइक शॉपर वगैरह में तो फिर इनमें से स्मेल आने लग जाएगी क्योंकि ये गीले होंगे। सो आई विल वेट एंड लेट देम ड्राई। मैं मोस्ट प्रोबेबली इनको किसी सनी एरिया में रख दूंगी जहाँ पर धूप पड़ती है ताकि इनमें से जो पानी है वो ड्राई हो जाए, या समवेयर लाइक दैट। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको मेरा तरीका ऑफ वॉशिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड आई ब्रशेज अच्छा लगे एंड इफ़ यू डू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू ट्राई इट आउट। सो आई थॉट कि जब मैं मेकअप रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ उसके जो बिहाइंड द सीन्स है एंड जो मैं उससे पहले जो तैयारियाँ करती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। सो अभी मैंने अपने नेल्स पर पिंक नेल पॉलिश लगाई है, लाइट पिंक कलर नेल पॉलिश, एंड जो मेरा नेल पेंट लगाया है वो ये है, ये भी मैंने मिनीसो से नेल पेंट लिया था, लाइट पिंक कलर का है। एंड अभी मैंने ये आउटफिट भी चेंज कर लिया फॉर माय फर्स्ट टू वीडियोस। आई एम ट्राइंग टू मेक फोर वीडियोस, लेट्स सी उससे कम भी बन सकती हैं उससे ज़्यादा भी बन सकती हैं। आई एम गोइंग टू वेयर वन आउटफिट फॉर टू वीडियोस और फिर मैं एक और आउटफिट चेंज करूँगी फॉर माई अदर टू वीडियोज, उसके साथ के मैंने इयर रिंग्स निकाले हुए हैं सो आई विल शो यू दोज। तो जो मेरा सेकेंड आउटफिट है जो मैंने आज की वीडियोस के लिए निकाला है वो ये वाला है, ये एक शॉर्ट मिनी फ्रॉक टाइप ड्रेस है और इसके जो फ्रंट है वो इस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन है। और जो रेस्ट ऑफ द फ्रॉक है उस पर यही वाला प्रिंट है, ये फ्लावर्स वाला। अच्छा गाइस सिंस मेरा जो टारगेट है वो फोर वीडियोस का है तो मैंने फोर पेयर्स ऑफ इयररिंग निकाले एंड आई विल शो यू दोस। एक ये लंबे वाले हैं ऑरेंज वाले और एक ये ब्लैक वाले हैं लंबे वाले और एक ये येलो वाले हैं और एक ये वाले हैं, दैट्स इट। अगर आपने इनको डिटेल में देखना है तो यू कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई इयररिंग्स की, तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ये डिटेल में दिखाए हुए हैं इयररिंग्स। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं ना जो मेरा एक आउटफिट है ना उससे मैं दो या तीन वीडियोस बना लेती हूँ मेकअप रिलेटेड कॉन्टेंट जब मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरी सारी जो मेकअप वीडियोज हैं वो मैं एक साथ ना तीन चार एक दिन में बना लेती हूँ, सो मैं इतने अपने जो आउटफिट्स है वो चेंज नहीं करती।
और वैसे भी जब मैं मेकअप रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ तो फिर जो मेरा फेस है वो ज़्यादा शो हो रहा होता है देन द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग, तो इसलिए आई एम नॉट दैट बॉदर्ड। तो मैं जो एक ड्रेस है मेरा उससे मैं अपने 2-3 मेकअप रिलेटेड कंटेंट वीडियोस बना लेती हूँ। सो गाइस, मेकअप वीडियोस बनाने से पहले मैंने जो अपने बाल हैं वो सही तरह से सेट कर लिए हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं जब अपने बालों को पिंस लगा लूँ तो उसके बाद जो मेरे बाल जो वो छोटे हैं वो बैठते नहीं हैं इन प्लेस, तो मैं उसके लिए जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है मैं उनसे बालों को बिठा देती हूँ एंड फिर इस तरह मेरे बाल सही भी रहते हैं। वरना एक्चुअली क्या होता है कि मेकअप जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो फिर वो जो मेरे आगे वाले बाल हैं वो फिर जब ऊपर खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा शो होते हैं एंड दे लुक रियली बैड, तो इसलिए आई विल डू दैट एंड आई हैव जस्ट मेड माई हेयर। अब मैं अपनी जो वीडियोज़ है मेकअप रिलेटेड वो मैं अब उनको शूट करूँगी एंड दैट्स इट। सो गाइस, लेट मी शो यू माय सेटअप। ये वो टेबल है जिस पर मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें रखती हूँ जो मुझे वीडियो में चाहिए होती है, और ये रही वो विंडो जिसके आगे मैं शूट करती हूँ। मैं नेचुरल डेलाइट में शूट करती हूँ और अगर रिंग लाइट चाहिए हो तो फिर वो भी मेरे पास है, वो वैसे भी मेरे आगे होती है क्योंकि फ़ोन होल्ड करना होता है इस वाली जगह पे, तो वैसे भी वो आगे होती है। अगर लाइट कम हो जाए तो फिर रिंग लाइट जला लेती हूँ। मैं मोस्टली लाइक अगर मैं मेकअप रिलेटेड कंटेंट शूट कर रही हूँ तो मैं लाइक शाम तक करती हूँ जब तक बाहर से डे लाइट आ रही होती है। थोड़ी सी शाम में कम भी हो जाती है लेकिन दैट इज़ स्टिल इनफ। फिर उसके बाद आई स्टॉप शूटिंग और फिर देन मैं पैकअप करती हूँ, दैट्स इट एंड आई विल सी यू लेटर। एंड गाइस, आई हैव जस्ट फिल्म्ड वन ऑफ माय मेकअप वीडियोस एंड आई वांटेड टू शो यू कि जब धूप बहुत ज़्यादा आ रही हो तो फिर पर्दा मैं आगे कर देती हूँ एंड आई यूज़ द ट्राइपॉड स्टैंड लाइट इंस्टेड, क्योंकि फिर जब धूप ज़्यादा आ रही हो तो फिर मुंह पर बहुत अनइवन लाइट पड़ती है विच इज़ नॉट गुड और वो कैमरे में अच्छी भी नहीं लगती। सो या, वन वीडियो डाउन, लेट्स सी हाउ मेनी मोर आई डू। सो गाइस, जब मैं मेकअप वीडियोस बना रही थी आई ओनली मैनेज टू मेक वन वीडियो एंड आई डिडंट मेक ऑल द 4 वीडियोस दैट आई प्लान टू। थोड़ी सी मेरी भी गलती है, मेरी तरफ से भी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी और बीच में मुझे और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आई हैड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड मेकिंग वीडियोस। तो अब आई विल पैक अप नाउ एंड आई विल मेक देम ऑन अनदर डे। सो कम टाइम की वजह से अब मैं जो मेरी बाकी वीडियोज़ है वो मैं किसी और दिन बनाऊँगी, तो आई विल पैक अप नाउ एंड आई विल शो यू द आफ्टरनेस। सो गाइस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब मुझे वापस रखनी हैं एज वेल एज दिस बॉक्स। उसके बाद फिर मुझे टेबल भी थोड़ा सा क्लीन करना है क्योंकि इस पर थोड़ी सी फाउंडेशन भी लग जाती है, वो स्पंज पर लगी होती है तो वो टेबल पर लग जाती है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो जो फाउंडेशन का जो कैप होता है या वो ब्रश से भी जो टेबल पर फाउंडेशन लग जाती है लाइक दिस। ये मैं इसको भी साफ करूँगी एंड देन आई विल चेंज माई क्लोथ्स एज वेल। वो तो प्रॉपर शर्ट पड़ी हुई है पर मेरी सिस्टर का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद देन आई विल रिमूव माई मेकअप जो मेरे फेस पर है एंड मुझे अपने इयररिंग्स भी वापस रखने हैं इस बॉक्स में एज वेल एज इस नेल पॉलिश को भी अब मैंने वापस रखना है इसके जगह पर। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का व्लॉग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। टेक केयर, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।